हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है ब्यूटी विद तबस्सुम के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ होममेड हेयर डाई। फ्रेंड्स, जिनके बाल सफ़ेद हो गए हैं तो वो इस होममेड हेयर डाई को अपने बालों पे अप्लाई करें और परमानेंटली अपने बालों को नेचुरली तरीके से काला कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसी हेयर डाई बताऊंगी जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जिसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं किया जाता है। बस वन इंग्रेडिएंट से आप इस डाई को तैयार कर सकते हैं। ये टीनेजर्स भी यूज़ कर सकते हैं, बॉयज़ गर्ल्स भी यूज़ कर सकते हैं, मदर फादर दादा दादी नाना नानी सब यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक हेयर डाई है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हेयर डाई कैसे तैयार होगी। तो मेरी इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लोहे का बर्तन ले लेंगे। आप अपने घर से कोई भी लोहे का बर्तन ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पे एक छोटी कढ़ाई ले ली है और इसके लिए हम एक कप पानी लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे वन कप पानी ले लिया है। आप अपने बालों की ग्रोथ के हिसाब से इसे घटा और बढ़ा सकते हैं। और हमें इसमें जो इंग्रेडिएंट्स मिलाना है वो है फ्रेंड्स आंवला पाउडर। आंवला पाउडर आपको मार्केट में बहुत आराम से मिल जाएगा। आंवला बालों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये बालों को नेचुरल तरीके से काला करता है। आयुर्वेद में आंवला को अमृत भी कहा जाता है। आप देखते होंगे पहले के लोग आंवला रीठा शिकाकाई से बाल धोया करते थे। आंवला बालों को नेचुरली ब्लैक बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है, इसमें 2 से 3 चम्मच पाउडर डाल देना है। वन टू, ये हमने यहाँ पाउडर डाल दिया है। अब इस पाउडर को हम अच्छे से मिला देंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आपका ये जो लिक्विड है, ये पेस्ट, ये ब्राउन कलर का है। हमें इसे ब्लैक बनाना है। वो कैसे, अब हम इस कढ़ाई को गैस पे रख देंगे और इसे गर्म करेंगे। और जब ये पानी आधा रह जाएगा, यानी कि हाफ कप रह जाएगा, तो समझिएगा हमारी डाई तैयार हो गई है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, हम गैस पे आ चुके हैं और ये देखिए हमारा पानी गर्म होने लगेगा। हमें इसे चलाते रहना है अच्छे से, ताकि हमारा पानी अच्छे से नेचुरल डाई बन सके, इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे में मिलके। आप देखेंगे धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा गर्म होना शुरू हो गया है और इस इंग्रेडिएंट्स को हम लगातार चला के मिलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बन गया है और अब हम इसका थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये हेयर डाई पैक बनके तैयार हो गया है। ये जो हमारी हेयर डाई है ये नेचुरल है, ये ठंडी हो चुकी है। और हमें अब ये करना है कि इसको रात भर के लिए हमें रख देना है, क्योंकि आप जब इसे रात भर के लिए रख देंगे तो ये सुबह में एकदम काली हो जाएगी। और फिर आप इसे 8 से 10 घंटे रखने के बाद एक हेयर ब्रश की मदद से अपने बालों में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको शाम को यूज़ करना है तो आप मॉर्निंग में बना के पूरा दिन के लिए रख दीजिए, शाम को यूज़ करिए। और अगर आपको मॉर्निंग में यूज़ करना है तो आप इसको रात में बना के मॉर्निंग में यूज करिए और उसके 1 घंटे के बाद आप नहा सकते हैं। तो ऐसा आप हफ्ते में एक बार जरूर करिए और हल्के हल्के आप देखेंगे विद इन 1 मंथ आपके बाल प्योर ब्लैक हो जाएंगे। 1 महीने में ही आपको यकीन नहीं होगा कि आपके बाल नेचुरली प्योर ब्लैक होंगे, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। मैं खुद इस डाई को यूज करती हूँ, मैं कोई भी बाहर की केमिकल डाई नहीं यूज करती हूँ, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को आप ये रेमेडी यूज करके बता सकते हैं। तो मैं आपको, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, अपने दोस्तों में करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मेरी मिलती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड।